कान से चमकत रहे मोर से निरवा जिंदगी जी। गीत कदम देकर जब आए पहली बार, नंदी से कदम देकर जब आए पहली बार। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी ये आपने सॉन्ग सुना ही होगा। आप भी ऐसा सॉन्ग अपने वीडियो पे या फिर स्टेटस पे डाल सकते हैं और कोई कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आएगा। तो कैसे, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्राची और प्राची के स्पेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी बात भी कोई कॉपी करता है तो हमें उससे कॉपीकैट कहते हैं। और हम अगर किसी का वीडियो पूरा का पूरा अपलोड कर देंगे तो ऑब्वियसली वो हमें कॉपीराइट देने ही वाला है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वही बताऊंगी आपको सॉन्ग कहाँ से लेना है और कैसे अपलोड करना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, थोड़ा भी स्किप मत करिए ताकि आपको कॉपीराइट नहीं। तो चलिए, हमें इसके लिए मोबाइल के स्क्रीन पर चलना है और यूट्यूब ओपन करके हमें जो सॉन्ग चाहिए वो हमें टाइप करना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे यूट्यूब पर आ गई और यहाँ पे मैंने ये मुझे हैप्पी करवा चौथ का सॉन्ग चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये टाइप कर रही हूँ, हैप्पी करवा चौथ सॉन्ग। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे सॉन्ग आ जाएंगे, तो जो मुझे सॉन्ग चाहिए वो मैं ले लूँगी। तो यहाँ ये वीडियो आ गया। फिर यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके ये फिल्टर पे क्लिक करना है और ये फिर ऐसा इंटरेस्ट पे आ जाएगा, तो क्रिएटिव कॉमन पे प्रेस करके अप्लाई कर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे और एक बात बताने वाली हूँ कि जहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सबसे लास्ट में क्रिएटिव कॉमन लिखा हो वही हमें वीडियो लेना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे मुझे जो चाहिए था वो वीडियो आ गया। फिर यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, तो देखिए डिस्क्रिप्शन में सबसे लास्ट में ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएटिव कॉमन एट्रिब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड। तो यही सॉन्ग आपको लेना है और आपके वीडियो पे डालना है। हाँ, पर ट्रिम करना बहुत भूलिए, बीच बीच में थोड़ा ट्रिम कर लीजिए, मतलब कट कर लीजिए, ताकि आपको कॉपीराइट नहीं, पूरा का पूरा सॉन्ग उठा के नहीं डालना है। और अपलोड कैसे करना है वही बताऊंगी। अपलोड करना भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी पूरा वीडियो अंत तक देखिए। और हाँ, हमें वीडियो अनलिस्टेड करके रखना है तो आपको पता चलेगा, यूट्यूब से मेल आएगा। अगर कॉपीराइट आएगा तो आपको मेल आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो इसलिए पहले अपलोड करना, इससे क्या होगा कि आपके वीडियो पे भी कॉपीराइट नहीं आएगा और चैनल को भी कोई खतरा नहीं होगा, इसलिए आपको कॉपीराइट आएगा। तो चलिए हम यूट्यूब पर चलते हैं। तो ये हमने यूट्यूब ओपन कर लिया। तो फिर यहाँ पे हम यहाँ पे प्लस पे साइन पे ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो हम जो भी हमने वीडियो बनाया वो अपलोड करेंगे। तो पहले ही अपलोड करके प्राइवेट कर अनलिस्टेड करके रखना है। तो देखिए, तो फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखिए। देखिए यहाँ पे अपलोड वीडियो किया मैंने, फिर हम ये हमारा वीडियो अपलोड हो गया। फिर यहाँ में हमने टाइटल दिया, डिस्क्रिप्शन दिया और यहाँ पे ये पब्लिक है तो हमें अनलिस्टेड रखना है। देखिए ये अनलिस्टेड रख के ही एक वीडियो अपलोड करना है। फिर एक या दो घंटे बाद हमें ये ओपन करना है, फिर पब्लिक करना है। तो इससे क्या होगा कि अगर आपके वीडियो पे कॉपीराइट रहेगा तो मेल आएगा, तो आपको पता चलेगा ये वीडियो कॉपीराइट है, तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं। इससे आपके वीडियो को भी कोई खतरा नहीं होगा और चैनल को भी कोई खतरा नहीं होगा और आपके व्यूज भी नहीं चले जाएंगे। यही एक ट्रिक आप करेंगे तो आपका 100% कॉपीराइट नहीं आएगा। तो
तो पहले वीडियो अपलोड करके अनलिस्टेड आपको करके रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। हाँ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस। हाँ, ये वीडियो सबके साथ शेयर करना मत भूलिए।